I am studying in the fifth year of music diploma. So here we have ninth exercise for the keyboard. हमारी जो ninth exercise है keyboard की वो आज हम सीखने वाले हैं. और जो हमने eighth exercise तक किया, I hope आप सभी ने उसे बहुत अच्छे से practice किया होगा. अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छे से practice कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा keyboard play करना है. और जब तक हम हमारी जो exercise है उसको अगर अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हमारी फिंगर रोटेट नहीं हो पाएगी, और अगर हम फिंगर रोटेशन अच्छा नहीं करवा पाएंगे तो हम कीबोर्ड प्ले नहीं कर पाएंगे. सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. और सो हमारी नाइन्थ एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ. हमने एट एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है. और हमारी एट एक्सरसाइज तक हमने क्या क्या देखा, हमने अलंकार जो देखे थे, सारे गमा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, इसमें हमने सेवन टाइप्स ऑफ वेरिएशन करे. हमारी एट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज सारे गामा पा धा नी सा, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज इसी को दो दो बार करना, देन थर्ड इज थ्री टाइम्स, देन फोर्थ इज फोर टाइम्स, देन फिफ्थ एक्सरसाइज इज सारे सारे गा रे गा गामा गामा पा सारे हरे सारे सा. फिफ्थ एक्सरसाइज जो है हमारी वो ऐसी थी, सारे सारे गा रे गा रे गा मा गा मा गा मा पा मा पा मा पा दा पा दा पा दा नी दा नी दा नी दा दा नी दा नी दा नी दा नी दा पा दा पा दा पा मा पा मा पा मा गा मा गा मा गा रे गा रे गा रे सा, ये हमारी फिफ्थ थी. सिक्स्थ एक्सरसाइज थी हमारी सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा पा दा नी दा नी दा सा नी दा नी दा पा दा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा. सेवंथ एक्सरसाइज इज सारे गा मा रे गा मा पा गा मा पा दा मा पा दा नी पा दा नी सा सा नी दा पा नी दा पा मा दा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा. एट्थ एक्सरसाइज इज सारे गा मा पा दा गा मा पा दा नी मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा नी दा पा मा गा दा पा मा गा रे पा मा गा रे सा. सो आज हमारी जो नाइन्थ एक्सरसाइज है वो फिफ्थ एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ मिलती हुई है. वो कैसे, हमारी जो फिफ्थ एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या किया था, सारे सा सारे सारे गरे गामा गामा पा मा पा दा पा दा नी दा नी सा नी सारे सा. और हमारी नाइन्थ एक्सरसाइज जो है हमें उसमें क्या करना है, हमें उसमें ऐसा ही करना है कुछ. उसमें हमें, हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, लाइक सारे सा हम लोग वापस उस पर जा रहे थे. अब हमें यहाँ पर सुर बढ़ाना है, लाइक कैसे, सारे सारे गा रे गामा 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 पा मा पा मा पा धा पा धा पा धा नी धानी धानी सा सा नी सा नी धा नी धा नी धा पा धा पा धा पा मा पा मा पा मा गा मा गा रे सा. सो ये हमारी नाइन्थ एक्सरसाइज है. मैं इसको आपको रिटर्न डाउन भी करवाऊंगा, और जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ आप अपनी कॉपी में उसे जरूर रिटर्न डाउन कीजिएगा. क्योंकि जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं और अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, जब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, उसे अपने माइंड में सेट नहीं करेंगे, तो प्ले अच्छे से नहीं कर पाएंगे. सो आप अपनी कॉपी में रिटर्न डाउन जरूर कीजिएगा और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. और बोल बोल के अगर हम जितना प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो सुर जो है वो हमारे माइंड में सेट हो सके. सो ये हमारी नाइन्थ एक्सरसाइज है, मैं प्ले कर रहा हूँ. सो मैं फर्स्ट स्लोली प्ले कर रहा हूँ. ओके सो प्लीज वॉच एंड लर्न. ओके सारे सारे गा रे गा रे गा मा गा मा गा मा पा मा पा मा पा दा पा दा पा धा नी सा नी धा नी धा नी धा पा दा पा मा पा मा पा मा गा रे गा रे गा रे सा. इसका रिटर्न डाउन बता देता हूँ, इससे हमें कैसे लिखना है. सो दिस इज आवर एक्सरसाइज. ओके सारे सारे गा रे गा मा गा पा मा पा धा पा धा नी धनी धनी सा. सॉरी ये नीचे जो सेकंड नंबर पर लिखी हुई है वो वाली एक्सरसाइज है, वो हमारी एट एक्सरसाइज है. ओके सारे सारे गा गा मा धा पा धा नी धनी धनी सा नी सा नी धनी धनी धा पा धा पा मा पा मा गा
मा गा रे गा रे सा। इसे हमें अच्छे से रिटर्न डाउन करना है। इसमें मैंने इंग्लिश नोटेशन नहीं लिखा है, वो मैं लिख देता हूँ। सो दिस इज आवर इंग्लिश नोटेशन, सी डी सी डी ई डी ई डी ई एफ ई एफ ई एस जी एफ जी एफ जी ए जी ए जी ए बी बी ए बी एस सी ए बी ए बी सी। ये हमारा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। सी बी सी बी ए बी ए बी ए जी बी ए बी ए जी ओके देन ए जी ए जी एफ ओके ए जी एफ जी एफ जी एफ ई एफ ई एफ ई डी 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 ई डी ई डी सी। सो ये हमारा इसका नोटेशन है। इसको आप प्रॉपरली लिखिएगा तो क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और इसको आप जब तक प्रॉपरली लिखेंगे और इसको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो फिफ्थ एक्सरसाइज के बाद की सारी एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी टफ पड़ेगी। सो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिटर्न डाउन अच्छे से करना, और हमारी जो सारी एक्सरसाइज है ना बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिस करना है। अगर मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो गई हो सुनने, आपको अगर सुनने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या मुझे समझाने में अगर आपको समझ नहीं आया हो, मैंने जो आपको समझाया वो समझ नहीं आया, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ। सो दिस इज़ अवर एक्सरसाइज नंबर 9। सो मिलते हैं 10th एक्सरसाइज में, और उसके बाद मैं आपको ताल का भी सेशन बताने वाला हूँ। सो आफ्टर 10th एक्सरसाइज मिलते हैं ताल के सेशन में। सो दिस इज अवर 9th एक्सरसाइज। सो डू प्रैक्टिस एंड मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।